और समीर जी, आपने सुना अभी गृह मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने राहुल गांधी को ओपन चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि उनसे भी सवाल जवाब होने चाहिए सीए पर, वो अपनी बात कहें। निश्चित रूप से अमित शाह भी इस बात को जिक्र कर रहे थे अभी, और इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि विपक्ष को अगर सीए पे आपत्ति है तो बताए कि उन्हें आपत्ति क्या है, देश को गुमराह करने का काम न करे। और मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि विपक्ष जो गुमराह करने का काम कर रहा है। बहुत स्पष्ट कहा गया है कि सीए नागरिकता देने वाला कानून नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून नहीं है, उसमें किसी भी मुस्लिम को देश में डरने की जरूरत नहीं। टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं पूरा विपक्ष जो है। अरविंद केजरीवाल ने भी बात किया कि इलेक्शन दिमाग में है, इसलिए उसकी टाइमिंग जो है वो ये रही। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, कोई कानून आज तो आया नहीं कि अभी कुछ महीने पहले अगर केंद्र सरकार राज्यसभा और लोकसभा में इसे पास करवाती और फिर से कानून बनाती तो कहा जाता है कि चुनाव को देख के कानून पास किया गया है। 10 अगस्त और 11 अगस्त 2019 के लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कानून पास हो चुका है, और उसके बाद जिस तरीके से इसको लेकर जो माहौल क्रिएट किया गया था देश के अंदर, शाहीन बाग का आंदोलन पूरे देश को मालूम है कि किस तरीके से इसके खिलाफ माहौल बनाया गया। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को लगा होगा कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है तो लोगों को भरोसे में लेना चाहिए। फिर कोविड की भी प्रॉब्लम चल रही थी मुझे लगता है, और इसी कारण केंद्र सरकार ने इंतजार किया। यह कानून बन चुका था 4 साल पहले ही, इसको अधिसूचना इसकी अब जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन इसका अब जारी हुआ है। मुझे लग रहा है देश की जनता को मालूम था जिस दिन यह कानून बन गया था। और ये अमित शाह ने ये बात भी खुल के गई कि उन्होंने पहले ही कहा था कि चुनावों से पहले जो है वो लागू कर दिया जाएगा, और वो हमने कर दिया। सीए का विरोध कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अपना आपा खो चुके हैं, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का विरोध क्यों नहीं करते। आपके आलोचक के जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ती हूँ, और आप बताइए, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे, उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या, रोहिंग्याज नहीं मार रहे हैं, इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको। सुमिता जी, वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई है, शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए, और वो खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो, इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है, बच्चों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मतदान नहीं कर सकते, क्यों, क्या गुनाह है उनका। विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया, और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी ना कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। समीर जी, कल सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आए, उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़, याद रखिएगा, 1.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, और अगले चुनाव के लिए पूरा अपना वोट बैंक जो है तैयार कर लिया है।
पाकिस्तानी शरणार्थियों पर सीधे सीधे बोल रहे थे वो, और उनको कहीं ना कहीं अब जवाब दिया है, पूछा है यहां पर गृह मंत्री ने कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर क्यों नहीं बोले। देखिए, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी है, कल वो बोल रहे थे कि वो जिस तरह से कल पत्रकार वार्ता ले रहे थे, जिस तरह से आरोप लगा रहे, ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की बॉर्डर पर करोड़ों लोग घुसने के लिए तैयार बैठे और वहाँ जमघट हो गया है। वो कह रहे थे कि बाहर के मुसलमानों को घुसाया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी, उनको मकान दिए जाएंगे, हमारे लोगों की नौकरियां खा जाएंगे, ये तक बोला। जबकि केंद्र सरकार बहुत स्पष्ट कह चुके कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं उन्हें नागरिकता देने का है, और उसके पहले कौन आए हुए थे सब पूरे हिंदुस्तान जानती है। अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं कि जैसे अब केंद्र सरकार सबको बुलाएगी, इनवाइट करेगी कि आइए आप देश के अंदर आइए, भारत के दरवाजे खुले, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर जमीनों पर कब्जा कीजिए। केजरीवाल क्यों नहीं रोहिंग्या के बारे में बात करते हैं? ममता बनर्जी बंगाल के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमान घुस गए हैं, क्यों नहीं उनकी बात करती? क्यों नहीं केंद्र सरकार से कहती है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालना है? ममता बनर्जी अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एरिया बढ़ाया जाता है बांग्लादेश बॉर्डर पर, तो ममता बनर्जी आपत्ति लेती है। ममता बनर्जी की आपत्ति इसलिए है कि शाहजहां शेख जैसे गुंडे जो बांग्लादेश से घुसते हैं और ममता बनर्जी के कार्यकर्ता बनते हैं, वह सब रुक जाएगा, इसलिए ममता बनर्जी को सीए से आपत्ति है। बिल्कुल, और गृहमंत्री अमित शाह सीए पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उन पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ कर दिया कि सीए मुस्लिम विरोधी कतई नहीं है, बल्कि जिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ना हुई है, अत्याचार हुए हैं, उनके हित में है। ओवैसी साहब पे आ जाती हूँ जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर आप, मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है तो फिर आप why can't you give it मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना सबको, हम भी करते हैं, अप्लाई करें वो। वो घुस कर नहीं आ सकते, उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है, इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। समीर जी, साफ कहा गृहमंत्री ने कि ये जो तीन देश हैं वो मुस्लिम बहुल देश हैं, मेजोरिटी में वहां मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज में दूसरे हैं, यानी ईसाई हैं, हिंदू हैं, ये सब उन्होंने क्लियर किया। और असदुद्दीन ओवैसी मुद्दा कोई भी हो वो जरूर बोलते हैं। निश्चित रूप से बार बार केंद्र सरकार इस बात को बता रही है कि इन तीन देशों के अंदर पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, वहां पर अपनी आस्था के साथ जिनके साथ धार्मिक भेदभाव होता है, धार्मिक उत्पीड़न होता है, उन्हें हमारे देश के अंदर नागरिकता देने का यह प्रावधान है। अगर इन तीनों देशों के अंदर अगर कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, अगर उन्हें वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो कहाँ आएंगे? वो हिंदुस्तान में तो लौटेंगे। भारत तो पहले अखंड भारत था ही नहीं, ये सब भारत के हिस्से थे। अगर वहाँ जो हिंदू अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, सब कुछ आजीविका गंवाकर हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो हमारे देश का ये कर्तव्य है कि उन्हें नागरिकता हम दे सकते हैं, हमें अपने यहाँ उन्हें नागरिकता के रूप में दे, संवेदनशीलता होना चाहिए। और गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस बात की संवेदनशीलता खोल चुका है कि वहाँ जो आस्था के नाम से जो प्रताड़ित हिंदू है उन्हें अपना मानने से इनकार कर रहा है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार का बहुत अच्छा और सराहनीय काम है कि वहां जो अपने देश के उस देश में जो प्रताड़ित हो रहे हैं धार्मिक आधार पर, उन्हें अगर नागरिकता दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा परोपकारी का काम, संवेदनशीलता का काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है, कोई अगर हिंदू व्यक्ति अगर किसी देश में प्रताड़ित होगा तो उसे भारतीय नागरिकता सरकार देगी। और उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया उस पर भी अमित शाह ने करारा पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि उद्धव तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संविधान के बारे में बात करें तो यूबीटी जो ग्रुप है शिवसेना की, वो कहते हैं कि आपकी विफलताओं को छुपाने के लिए मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए?
मैं आज उनका आह्वान करता हूं देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा, आपका इशारा बार आई वॉस आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? आपका इशारा बाल ठाकरे की तरफ नहीं, मेरा तो उनकी ओर है। बाल ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं, वो स्पष्ट करे, क्योंकि वो पहले बोलते थे जो नहीं पार्लियामेंट में भी बोले हैं। अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा डे वन से स्पष्ट स्टैंड है कि भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, ये तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए।